हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल अर्थात अल्कोहल का विकृतीकरण क्या है। हम लोग यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल का विकृतीकरण किस प्रकार किया जाता है और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल के विकृतीकरण की जरूरत ही क्यों है। तो इससे पहले कि अल्कोहल का विकृतीकरण समझें, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं और जानना भी चाहिए कि अल्कोहल का उपयोग बड़े पैमाने पर औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल जो फील्ड होता है, उसमें किया जाता है। अलग अलग तरीके से इसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। इसमें से एक कल्पना करते हैं, कल्पना करिए कि आपके पास कोई एक कंपनी है, कोई एक इंडस्ट्री है जो पेंट बनाती है। पेंट बनाने के क्रम में बहुत ही बड़े पैमाने पर अल्कोहल की जरूरत होती है। अब सोचिए जरा, बड़े पैमाने पर अल्कोहल ला करके आपने रख दिया है रॉ मटेरियल के रूप में, ताकि इसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाएगा। अब पेंट उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लेबर, मजदूर, इंजीनियर, तरह तरह के वर्कर्स हैं। उन्होंने देखा अल्कोहल उधर रखा हो, यार पूरा ड्राम के ड्राम, मन थोड़ा सा ललचा, सोचेगी क्यों ना एक दो दो पैक लगाया जाए, फिर काम पे लगा जाएगा, रगड़ के काम किया जाएगा। अब क्या हुआ भाई साहब, कि एक दो दो पैक लगाने के चक्कर में बस पैक ही लग रहा है। मालूम चला कि सब पैक लगाए और सोए पड़े हुए। अब सोचिए जरा, उस कंपनी का क्या होगा, उस इंडस्ट्री का क्या होगा। उधर मशीन चल रहा है, इधर जो है ना वर्कर है, उन्होंने अपना जो है पार्टी शुरू किया हुआ है। अब जब शाम को आता है ठेकेदार, देखता है, अरे यार ये क्या पड़ा, सभी एकदम सोए पड़े हुए हैं, उधर मशीन चल रहा है, मशीन खराब हो रहा है। अब उस कंडीशन में कोई क्या करे, इन्हें रोकना होगा, आखिर जरूरत तो पड़ेगी वर्कर्स की, उसमें अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी और ये मानेंगे नहीं। तब इसका एक उपाय निकाला गया और वही उपाय है अल्कोहल का विकृतीकरण। तो आइए समझते हैं, ये तो हो गया अल्कोहल के विकृतीकरण के पीछे का बैकग्राउंड कि क्यों जरूरत पड़ रही है। तो किसी भी उद्योग क्षेत्र में अल्कोहल की जरूरत पड़ती है और अल्कोहल वहां के काम करने वाले लोग पी करके काम को तो खराब करेंगे ही करेंगे, अपना सेहत तो खराब करेंगे ही करेंगे, मशीन इत्यादि चीजों को भी प्रभावित करेंगे। तो अब इसमें हुआ क्या कि इसको कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए दो तरीके निकाले गए। एक तरीका यह निकाला गया कि कैसे अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंक कर दिया जाए। तो उसके लिए किया गया कि क्यों ना इसको और जहरीला बना दिया जाए। जो आपके पास इथाइल अल्कोहल है उसको जहरीला बना दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जहरीला बनाने के बावजूद भी लोग पी सकते हैं, तो उसको बदबूदार बनाया जाए, ऐसा बदबू डाला जाए उसमें कि वो क्या हो जाए कि कोई पी ना पाए। अब समस्या यह है कि अल्कोहल में केवल उसी चीज को मिला सकते हैं जो घुलेगा उसमें, सब कुछ तो मिला नहीं सकते। तो आइए, अल्कोहल के विकृतीकरण का मतलब होता है कि अल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंक कर दीजिए, अनफिट फॉर ड्रिंक कर दिया आपने, मतलब आपने ऐसा कुछ कर दिया अल्कोहल को। आप याद रखिएगा कि इथाइल अल्कोहल ही होता है, C2H5PAOH है, जो कि वाइन में उपयोग होता है, इसको अनफिट फॉर ड्रिंक कर दिए और इसी का नाम होता है अल्कोहल का विकृतीकरण। अब ये कैसे करते हैं, तो दोस्त इसमें दो काम करते हैं। अल्कोहल में कुछ ऐसा चीज मिला दीजिए कि वो जहरीला हो जाए और उससे बड़ी चीज की बदबूदार हो जाए। तो आइए जरा क्या कर सकते हैं, तो देखिए बदबूदार एवं जहरीला बनाने के लिए, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, बनाने के लिए क्या हो सकता है। तो दोस्त सबसे पहले जानिए कि इसमें मिलाते हैं खतरनाक चीज मिथाइल अल्कोहल। ये वही अल्कोहल जो तबाही मचाए हुए दुनिया में, खास करके अभी फिलहाल बिहार के छपरा में, ये मिथाइल अल्कोहल है, काफी जहरीला होता है। दूसरा, इसमें मिला देते हैं बदबू उत्पन्न करने वाला पदार्थ एसीटोन। दोस्त ये जो एसीटोन है ना, आपने देखा नेल पॉलिश में एसीटोन मिला होता है, तो ऐसा तो नहीं कि नेल पॉलिश बहुत ही खूबसूरत महक रहा है और मालिक एसीटोन से भी काम नहीं, चलो तो एक और खतरनाक मिला जाता है। आपने सड़ी हुई मछली महका है ना, तो सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाला एक केमिकल होता है जिसको पायरिडीन कहते हैं, अल्कोहल में जाके मिला देते हैं। चल भाई देखते हैं अब कैसे कोई पीता है। तो इसमें मिला दिया आपने पायरिडीन, मिला दिया आपने, ये होता है अगर देखें इसको फॉर्मूला के रूप में C6H5N। तो दोस्त ये सड़ी हुई मछली
कि गंध वाली पायरिडीन आपने मिला दिया, एसीटोन मिला दिया, जहरीला बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिला दिया और कहते हैं कि अब हो गया, ये अनफिट फॉर ड्रिंक हो गया, कोई इसको पी के तो पहले पिएगा नहीं, पिएगा तो बचेगा नहीं। इसके अलावा सोचो जरा, कोई पी करके मतवाला हुआ है तो उसको क्या पता चल रहा है कि जहर है कि अमृत है, तो इसको और खराब करते हैं। ऐसा करते हैं कि इसमें रंग उत्पन्न करने वाला पदार्थ मिला देते हैं, रंग के लिए, इसमें रंग के लिए भी पदार्थ मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? तो मिला देते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं दोस्त, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट मिला देने से इसमें रंग उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से आपके पास जो इथाइल अल्कोहल है ये अनफिट फॉर ड्रिंक हो जाता है, और अनफिट फॉर ड्रिंक करने को ही डिनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। इसी चीज को मिथाइलेटेड स्प्रिट कहते हैं, क्योंकि इसमें मिथाइल आपने मिला दिया या डिनेचर्ड, तो कह रहे हैं कि अल्कोहल जो है ना वो डिनेचर्ड हो गया, अब अल्कोहल अल्कोहल नहीं रहा। तो इस तरह से दोस्त ये हो गया आपका डिनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब, क्यों करते हैं, किस चीज से इसको किया जाता है और इसके